ग्रैंड सिटी हर लिहाज से मुझे इसलिए बेहतर लगा है कि अभी रिसेंटली मेरा बाईपास हुआ और यहाँ पे जो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मुझे मिला, शायद लाहौर से इस्लामाबाद तक मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जो यहाँ मिला। बीइंग अ मदर, मेरी सबसे ज़्यादा कंसर्न ये था कि बच्चे सेहतमंद हों। जिस तरह के आपको बताया कि हम लाहौर में रहते थे तो वहाँ पे पोल्यूशन, शोर और इतनी ज़्यादा सेहत के इशू थे बच्चों के, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है जब से हम शिफ्ट हुए हैं ऐसे कोई इशू नहीं है। बच्चे हेल्दी हैं, खुश हैं, खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग भी इधर हो रही है, हॉर्स राइडिंग लेने में बहुत मज़ा आएगा, और टेनिस कोर्ट में जाते हैं रात को, वहाँ पर भी टेनिस खेलते हैं, एक्सरसाइज भी इधर फुल हो रही है। आई हर्ड अबाउट स्कूल, ऑब्वियसली मैं रूट्स ऑफ स्कूल सिस्टम को जानती हूँ क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो इट्स गुड टू हियर दैट। हर रोज पार्क भी जाता हूँ, स्लाइड झूले लगे होते हैं, स्लाइड्स वगैरह वो लेता हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। It's a very nice place to stay. I've been staying here now for the past month on holiday from South Africa. So the big thing for me was the safety of the place. It's a guarded facility. There's constantly guards outside. It's a very safe place. You can walk around at any time of the day or night. सबसे जो अच्छी बात वो ये थी कि ग्रैंड सिटी जो प्रोजेक्ट है वो मेन जीटी रोड के ऊपर है। जीटी रोड से जो उसका गेट का डिस्टेंस है जीरो डिस्टेंस है, जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे अच्छी बात होती है। और बीइंग अ रिहायशी, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ सेटल हुआ हूँ, उसकी वजह यही थी कि मैं रात के किसी भी वक्त आऊँ तो मेरी अप्रोच गेट से अंदर सीधी, और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। आइडियल दैट्स सपोज्ड टू बी अ स्पेनिश स्टाइल, थोड़ा स्पेशियस हो, जहाँ पे लिविंग ज़रा ईजी हो। पहले हम ग्रोसरी के लिए बाहर जाते थे सराय आलमगीर या जेलम, लेकिन अब हमें ग्रैंड सिटी ने ये फैसिलिटी सोसाइटी के अंदर ही प्रोवाइड कर दी है कि जब दिल करे हम ग्रोसरी के लिए चले जाते हैं। लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, बट हम बड़े शहर से छोटे शहर में इसलिए आए कि ये वाकई लिवेबल जगह है, यहाँ पे हर चीज़ हमें मुहैया है, तो मैं क्यों एक ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो। और फिल्ट्रेशन प्लांट के इनॉग्रेशन के बाद तो हमें पानी का भी कोई इशू नहीं रहा, ऑल टाइम हमें साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड किया गया। वो कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग, आएँ देखें और फिर खुद फैसला करें, आपको फैसला करने में देर नहीं होगी।